स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास ऑफ रवि सर परवल। आज हम आरडी शर्मा क्लास 8 से एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 18 से 21 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीना वीव्स 35 बास्केट्स इन 25 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल सी वीव 55 बास्केट्स। 35 बास्केट 25 डेज में बनाती है और 55 बास्केट्स कितने बनाइए सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में देखोगे, लेट सी वीप्स, कर लेते हैं, लेट सी वीप्स 55 बास्केट्स इन एक्स डे, इन एक्स स्टेज हम मान के चलते। तो अब आपको दो कॉलम बनाने हैं, तरफ लिखना है बास्केट और दूसरी तरफ लिखना है डेज। तो बास्केट्स हैं 35 और डेज 25। बास्केट हैं 55, डेज हमें फाइंड आउट एक्स हमने सपोज किया। तो ये हमने एक टेबल बनाना है इस तरह से। टेबल बनाने के बाद अब आपको ये देखना है कि ये वेरिएशन कौन सा है, ये प्रोपोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स। देखिए 35 बास्केट बनाने के लिए 25 डेज लगते हैं, तो क्लियर है कि 55 बास्केट हैं तो डेज ज़्यादा लगेंगे, यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो मोर बास्केट्स More days, है ना? So it is direct proportion, is direct proportion. तो direct से हमें solve करना है। Direct proportion में हम क्या करते हैं, इनको fraction में लिखते हैं, यानी 35 upon 25 equal होगा 55 upon x। इस तरह से आपको नोट करना है। Cross multiply कर लीजिए, 35x इक्वल हो जाएगा 55 into 20, x की वैल्यू आ जाएगी 55 into 25 upon 35। अब कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं 7 पर, 5 से 5 पर इनका मल्टीप्लाई, तो x इक्वल हो जाएगा 55 to 25 plus 2, 27, 275 upon 7 days का आंसर। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, x इक्वल 7 3 21, 6 बचेगा 65, 7, 9 जा 63, 2 बचेगा 2 अपॉन 7, 39 एंड 2 अपॉन 7 डेज इसका आंसर हो जाएगा। फाइनली हमें नोट कर देना है, देयरफॉर सी वीव्स 55 बास्केट्स इन 39 एंड 2 अपॉन 7। ये इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आपको सॉल्व करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा गया कि नेहा टाइप्स 75 पेजेस इन 14 आवर्स। नेहा 75 पेजेस को 14 आवर्स में टाइप करती है, तो बताना है कि 20 आवर्स में वो कितने पेज टाइप करेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्यूशन में लिखते हैं हम, लेट सी विल टाइप कितना, सी विल टाइप इन 20 आवर्स। वो 20 घंटे में मान लीजिए एक्स स्पेस टाइप करते, ये हमने यहाँ सपोज कर। ठीक है, अब आपको लिखना है एक तरफ पेजेस
और एक तरफ लिखना है आवर्स। पेजेस है 75 इन 14 आवर्स, पेजेस एक्स इन 20 आवर्स। क्लियर? तो इस तरह से आपको टेबल बना लेना है और टेबल बनाकर ये देखना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्योंकि मोर टाइम मीन्स मोर पेजेस सिविल टाइम। तो हम यह नोट कर देते हैं सेंस हमें उल्टा लगाना है। मोर टाइम मीन्स मोर आवर्स मोर पेजेस। ओके, सो बाय डायरेक्ट आपको डायरेक्ट से सॉल्व करना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको लिखना है 75/14 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 14x इज इक्वल टू 75 × 20। क्लियर? सो एक्स इज इक्वल टू 75 × 20, 14 को नीचे ले जाएंगे, 14 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 पर, 2 से 10 पर। सो एक्स वुड बी इक्वल टू 750/7। क्लियर? मिक्स में चेंज करते, 7 × 1 = 0, 7 × 7 = 49 एंड 1/7, इतना आंसर आ जाएगा 107 and 1/7 पेजेस सिविल टाइम। तो फाइनली हमें स्टेटमेंट लिख देना है, देयरफॉर ही विल टाइप 107 and 1/7 pages in 20 hours। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है आपको? 19th क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ 12 बॉयज अर्न 840 रुपीज इन 7 डेज, व्हाट विल 15 बॉयज अर्न इन 6 डेज। ये हमें फाइंड आउट सॉल्यूशन। बॉयज अर्निंग डेज 3 रेशोज है इसमें, तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है? देखिए बॉयज और अर्निंग को पहले ले लेते, डेज को बाद में ले, तो हमें लिखना है एक तरफ बॉयज और एक तरफ अर्निंग। क्लियर? 12 बॉयज अर्न्स 840 रुपीज एंड 15 बॉयज अर्न्स 15 बॉयज अर्न्स x रुपीज। ठीक है, ये हमने एक टेबल बना ली। अभी हमने डेज को नहीं कुछ भी किया डिस्टर्ब, डेज को हम अभी एज इट बना रहने देते हैं, डेज को हम बाद में कंपेयर। 12 बॉयज 840 अर्न करते हैं तो 15 बॉयज को ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। क्लियर है? तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें इसको सॉल्व करना है। बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको इसे सॉल्व कर दो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हम देखते हैं 12/840 = 15/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12x इक्वल हो जाएगा 15 × 840। तो x इक्वल हो जाएगा 15 × 840/12। ठीक है, 12 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 5 = 3 = 4, राइट, 4 से इसे कैंसिल कर दो, 21,
दैट इज एक्स इक्वल हो जाएगा 0, 5, 10 1050 रुपीज एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 15 बॉयज 1050 रुपीज 7 डेज में अर्न करेंगे। अब दूसरी तरफ हम लेते हैं अर्निंग को कंपेयर करना है डेज से, ठीक है। बॉयज तो फिक्स कर दिए, बॉयज तो 15 हो गए। अब लिखना है आपको अर्निंग एंड डेज। बॉयज फिक्स है, बॉयज 15 है, ठीक है। अब अर्निंग है हमारे पास 1050, ठीक है, 7 डेज। तो फिर कितनी अर्निंग होगी 6 डेज में, ये हमें फाइंड आउट। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि डेज कम है तो अर्निंग भी कम होगी, क्लियर। तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप इसको सॉल्व करें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और यहाँ हम लिखेंगे 1050 अपॉन 7 इक्वल एक्स अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1050 इंटू 6। 7 को नीचे ले जाइए, 1050 इंटू 6 अपॉन 7 से इसे कट कर 7 वन जो 7 7 5 जो 35 0 15 6 90 होता है, तो 900 रुपीज हो जाएगा। देयरफॉर 15 बॉयज विल अर्न 900 रुपीज इन 6 डेज, ठीक है। तो 6 दिन में 900 रुपये कमाएंगे 15 21। इफ 25 men are 1000 in 10 days, then how much will 15 men earn in 15 days? तो हमें 3 part दिए हुए हैं, men, earning और days। तो मान के चलते हैं, let 15 men earn rupees x in 15 days। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अर्निंग फाइंड आउट करना है तो अर्निंग को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, अर्निंग। उसके बाद चलिए हम मेन को लिख लेते हैं और फिर डेज को। तो अर्निंग है यहाँ 1000 बाय 25 मेन इन 10 डेज, अर्निंग एक्स बाय 15 मेन इन 15 डेज, क्लियर। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको लिखना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम सेम डायरेक्शन में सभी साइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो यह लिखेंगे बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको क्या लिखना है, 1000 का रेशो x से इक्वल होगा 25:15 एंड 10:15, इस तरह से आपको नोट करना, ठीक है। ये मैंने अलग कर दिया और इन दोनों को एक साथ ले लिया। तो मीन्स को मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू 25 इंटू 10 बीच बीच के टर्म्स x और इन, ठीक है। एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई इक्वल में करना है, 1000 इंटू 15 इंटू 15, ओके। 25 और 10 को नीचे ले आते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा 1000 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 25 इंटू 10, कैंसिल कर देते हैं और 2500 को कैंसिल कर दीजिए 4 पर। x इक्वल होगा 15 4 जा 60 एंड 60 15 जा मेन 15 6 और 90 900 हो जाए। सो 15 मैन अर्न रुपीज 900 इन 15 डेज, ओके। देयरफॉर 15 मैन विल अर्न रुपीज 900
इन 15 डेज। ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 21 का। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा तीनों को एक साथ कैसे लेकर करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। आप 20th क्वेश्चन को भी ऐसे करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या करना है, 8 आवर्स वर्क करके 18 डेज में कंप्लीट करता है बुक को, तो आपको बताना है कि 12 डेज में फिनिश करना है तो कितने आवर पर डे काम करेगा। यहाँ हम देखेंगे लेट ही वर्क एक्स आवर्स पर डे, एक्स आवर्स पर डे, मान लीजिए वो एक्स आवर पर डे काम करेगा। तो अब आपको लिखना है डेज आवर्स ओके पर डे, डेज 18 पर डे आवर्स 8, डेज 12 पर डे आवर्स एक्स, हम सपोज करते हैं। यहां पर क्लियर है कि उसे बुक 12 डेज में ही फिनिश करना है तो ज्यादा वर्स उसको करना कर पड़ेगा वर्क, तो यहाँ इनवर्स वेरिएशन लगा देते हैं बाय इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन से आपको सॉल्व करना है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 इंटू 8 इक्वल हो जाएगा 12 इंटू एक्स, 12 को नीचे ले आते हैं, 18 इंटू 8 था 12 इंटू एक्स, 12 को नीचे ले आते हैं, तो 18 इंटू 8 अपॉन 12 इक्वल हो जाएगा एक्स, कैंसिल कर लेते हैं, 6 से 6 2 जा 6 3 जा 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 4, एक्स इक्वल आ जाएगा 12। सो ही हैज टू वर्क 12 आवर्स पर डे ओके, उसे 12 घंटे रोज काम करना पड़ेगा यदि उसे बुक को 12 डेज में फिनिश करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके चाहिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।